गौतम, आप सबका स्वागत करती हूँ बीबीडी मीडिया न्यूज पे। मैं आपको बता दूं कि हम इस वक्त मौजूद हैं बीबीडी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता ऑडिटोरियम के बाहर, जहां चल रही है उत्कर्ष 2024 की जोरों शोरों से तैयारी। उत्कर्ष 2024 होने जा रहा है 21, 22 और 23 फरवरी को। जी हाँ, इसका इन 3 दिन के फेस्टिवल्स का हमारे बीबीडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार होता है। तो इस इंतजार को खत्म करते हुए सिर्फ 5 ही दिन बचे हैं। आइए चलते हैं और मिलवाते हैं आपको जोश और जुनून से भरे इन स्टूडेंट्स से और पूछताछ करते हैं कि कैसी चल रही है उन लोग की तैयारियाँ। उत्कर्ष के इसी जोश और उत्साह के साथ आज हमारे बीच हैं NIIT की फैकल्टी मैम, तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो मैम, सबसे पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप उत्कर्ष जैसे आने वाला है, तो उत्कर्ष का आप मतलब क्या हैंडल कर रही हैं, आपको क्या एक्साइटमेंट, थोड़ी आप बताइएंगी। मैं ड्रामेटिक्स देख रही हूँ। ड्रामेटिक्स के हमारे टोटल 7 इवेंट्स होने हैं, ठीक है, नुक्कड़, मैम एंड मोनो एक्ट, एड मैट, कई सारे इवेंट हैं, तो आई थिंक काफ़ी इन्जॉय करेंगे सारे स्टूडेंट्स भी और जो अदर कॉलेज से जो बच्चे आएंगे, टीमें आएंगी, तो वो सब काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं हमारे इवेंट को। और आई थिंक हमारे जो 25 ईयर्स को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो 25 ईयर्स में यही कह सकती हूँ कि 25 साल बेमिसाल। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हॉस्पिटैलिटी के कोर कोऑर्डिनेटर की उत्कर्ष आ रहा है, तो इस बार आप कितना एक्साइटेड है और पिछले बार से इस बार क्या कुछ अलग देखने को मिला आपको? इस बार दरअसल बीबीडी यूनिवर्सिटी के 25 साल पूरे हो रहे हैं, सो कुछ चीज़ें सरप्राइजेज हैं, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होनी है एंड अभी प्लान्स और भी हो रहे हैं ताकि इस इवेंट को और ज़्यादा ग्रैंड बनाया जा सके। पिछली बार जो चीज़ें हुई थी उससे कुछ ज़्यादा बढ़ के इस बार हो रहा है। पिछली बार हमारा जो गो ग्रीन का थीम था उसके बेसिस पे हमने बहुत कुछ किया, लाइक मैसेजेस बहुत सारे दिए कि हम कैसे अपने प्लैनेट्स को सेव कर सकते हैं, मॉडल, पोस्टर एक्सेट्रा, अपने डांस, कल्चरल, इन सब फोरम के थ्रू। बट इस बार हमारे 25 साल हैं तो हम अपने ऊपर अपना सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द बीबीडी यूनिवर्सिटी। तो उत्कर्ष के इसी जोश और उत्साह के साथ आज हमारे साथ है टेक्निकल इवेंट के स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर, आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, तो आप टेक्निकल इवेंट्स के स्टूडेंट हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ शेयर करेंगे? टेक्निकल चीज़ इजी नहीं है, टेक्निकल में बहुत गेम्स हैं, उसमें आपको हर एक गेम्स का अलग अलग है, आप किस गेम में ज़्यादा अच्छे हो वो टेक्निकल आपको करना पड़ता है। CA में, BGMI, बहुत सारे टेक्निकल गेम्स। तो आज हम जुड़ चुके हैं इनफॉर्मल इवेंट के स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर से, तो आइए जानते हैं उसकी कुछ जानकारियाँ। तो सर, पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करवाइए। मैं अविरल मिश्रा, मैं स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर, मैं ऐड कर रहा हूँ एक गेम है जो जिसका नाम है ट्रेजर हंट। इसमें हम लोगों का ये काम रहेगा कि अलग अलग हम लोगों ने वॉलंटियर्स काफ़ी सारे चूज कर रखे हैं, उनका काम ये रहेगा कि वो लोग पार्टिसिपेंट्स को मॉनिटर करेंगे, अलग अलग जगह पे क्लूज छुपे होंगे पूरे कॉलेजेस में, और जहाँ जहाँ क्लू छुपे होंगे वहाँ वहाँ हम लोग वॉलंटियर्स को खड़ा कर देंगे, और जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको क्लू फाइंड करना है, और क्लूज में रहेगा कि कुछ क्वेश्चंस होंगे उसके हिसाब से उनको जगह डिसाइड करके वहाँ से क्लू हम लोगों ने रखे हैं कलेक्टेबल्स, तो वो कलेक्ट करके उन लोगों को सारे क्लू कलेक्ट करने के बाद वो लोग पहुँचेंगे ट्रेजर तक की, और ट्रेजर में हम लोगों ने कलेक्टेबल रखा है, उस कलेक्टेबल को कलेक्ट करने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे विनर कौन। तो आप इस इवेंट के लिए कितना एक्साइटेड है हमें बताइए? फिलहाल तो एक्साइटमेंट काफ़ी है, और क्योंकि काम इतना ज़्यादा है, वर्कलोड बहुत हो रखा है, उसकी वजह से तो टेंशन भी बहुत ज़्यादा है। तो बीबीडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की इस एक्साइटमेंट को देख के आपको समझ आ ही चुका होगा कि इस बार का उत्कर्ष बेमिसाल होने जा रहा है। इसी तरीके की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ बीबीडी मीडिया न्यूज़। मैं जया गौतम, कैमरामैन प्रतिमेश।